दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है टाटा की अल्ट्रोज। तो ये दोस्तों अल्ट्रोज का क्या सीन हुआ है, अल्ट्रोज में ऐसा सीन हुआ कि ये खड़ी गाड़ी को हमारे पास दो ब्रांड की, दो एकदम हेवी ब्रांड, एक टाटा और दूसरा हेवी ब्रांड समझ सकते हो तो मारुति, दोनों गाड़ी आई है। और दोनों गाड़ी का इंसिडेंस ऐसा है कि टाटा की अल्ट्रोज है और एक जो है मारुति की, इसकी सुजुकी की रिट्स है। तो ये भी गाड़ी को खड़े गाड़ी में किसी ने ठोका है और वो भी गाड़ी को किसी खड़े गाड़ी ने किसी को ठोका है। अब ये देखिए दोस्तों, अब ये बोलते हैं टाटा की बिल क्वालिटी। ये देखिए दोस्तों टाटा की बिल क्वालिटी, ये कम से कम 120 की स्पीड में गाड़ी ठोका है। इसको ये गाड़ी खड़ी थी, इसको 120 के स्पीड में ठोका, तो इसका क्या क्या डैमेज हुआ दोस्तों। पहले तो आप देख सकते हैं फ्रंट बम्पर, उसके बाद में इंजन लाइन में और पूरे पैसेंजर दोस्तों सेफ है। गाड़ी देख सकते हैं आप, शोरूम गाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ दो महीने पुरानी गाड़ी है, शोरूम गाड़ी है दोस्तों। और उसके बाद इसमें क्या क्या डैमेज हुआ, इसमें डैमेज हुआ ये कंडेंसर, एसी कंडेंसर के बाद में दोस्तों रेडिएटर और फैन बॉडी और इसका एक हेडलाइट, बाकी तो ऑलमोस्ट काम में आ जाएगा। ना इसका एप्रॉन बेंड हुआ, ना ही इसकी कोई चेसी बेंड हुई, 120 की स्पीड में भिड़ी है दोस्तों गाड़ी। ये गाड़ी खड़ी थी, आगे वाली गाड़ी 120, वो भी हमें इसलिए पता चला कि उसका वो तो गाड़ी टोटल लॉस होगी जो इसको भिड़ी, और भिड़ने के बाद में टोटल लॉस तो होगी उसका, काटा 120 पर अटका हुआ, इसलिए हमको पता चला। अब ये होगी दोस्तों टाटा की अल्ट्रोज। अब हम आपको बताएंगे, ये देखिए ये मारुति की रिट्स, ये भी गाड़ी जो है इसको भी खड़े गाड़ी में ठोका, और ये पार्किंग करते करते एक्सीडेंट हुआ हुआ, कोई स्पीड नहीं थी गाड़ी की, कोई स्पीड नहीं थी पार्किंग करते करते। तो ये देखिए दोस्तों पार्किंग में भी ऑलमोस्ट पकड़ लो 10 की स्पीड, मतलब 10 की स्पीड में डैमेज देखो दोस्तों, ये गया फ्रंट बम्पर, गया हेडलाइट, गया बोनट, गया बोनट के बाद में फ्रंट का ग्लास भी गया, फ्रंट के ग्लास के बाद में ये साइड का फेंडर भी गया। अब ये दोस्तों मुझे एक बात बताइए, ये तो गाड़ी 10 की स्पीड में थी, अगर ये 70 की स्पीड में होती तो ये गाड़ी का क्या हाल होता। अब इस पे से आप दोस्तों अंदाजा लगा लो कि मारुति और टाटा की बिल्ड क्वालिटी में कितना फर्क है। तो यही है दोस्तों आज की जानकारी कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट और एकदम हीवी एक्सीडेंट में अगर आपकी गाड़ी 5-स्टार रेटेड हो या अच्छी ब्रांडेड, बोलने का मतलब जो है एकदम हीवी क्वालिटी की अगर गाड़ी हो, आपकी बिल्ड क्वालिटी स्ट्रांग हो, तो आपकी जान बच सकती है जिस प्रकार अल्ट्रोज वालों की बची। और सुजुकी में भी, मतलब ये रिट्स में भी किसी का जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 10 की स्पीड में थी, उसका ग्लास व्लास कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। ओके दोस्तों, जानकारी कैसी लगी हमें आप कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।